अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंसारी जमीला किचन। आज की व्लॉग में आज मैं बनाने वाली हूँ दलिया, गेहूँ की दलिया। गेहूँ की दलिया बनाने के लिए मैं दलिया को तीन चार पानी से वॉश कर ली और फिर इसको मैं भिगो कर रख दी थी और इसको इस तरह से इसमें छान ली। अब मैं चूल्हे पे पतीला चढ़ा दी हूँ, उसमें मैं देसी घी ले रही हूँ एक चम्मच। घी गरम हो गया, मैं इसमें दो इलायची और तीन लौंग डाल रही हूँ। अब मैं इसमें दलिया को डाल देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें दूध भी शामिल करूँगी। मैं इसमें आधा लीटर दूध भी शामिल कर दी। अब मैं इसको अच्छे से चला लेंगे और इसको ढककर गलाएंगे इसमें। अब मैं इसको ढककर पकाएंगे, ये धीमी आंच पर पकेगा, ये गल जाएगा। तो मैं इसमें अब मैं और वो ड्राई फ्रूट काट लूँगी। गाइस देखिए दलिया ये गल गया है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी, एक कटोरी में शुगर इसमें डाल रही हूँ और मैं ये ड्राई फ्रूट भी काट ली हूँ, इसको भी मैं डाल दूँगी इस तरह से। और कद्दूकस में कोकोनट को कर ली, इसको भी मैं डाल रही हूँ। और इसमें मैं अभी दूध भी ऐड करूँगी। सब ड्राई फ्रूट मैं इसमें शामिल कर दी। अब इसमें मैं दूध भी ऐड कर दूँगी थोड़ा और फिर इसको धीमी आँच पे इसको फिर अभी पकाऊँगी। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। गाइस इसमें मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाल रही हूँ। गाइस इसी तरह से बना है, बहुत ही बढ़िया होता है दलिया। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। मेरे घर पे मेरे खाला सास की लड़की आई थी, उनको भी बहुत पसंद है। उनके साथ जो मेहमान थे वो लोग भी बहुत तारीफ़ किए कि इतना अच्छा बनाती हो जमीला, हम लोग बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता। गाइस मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे ही स्टाइल में बनाएं, मेरे ही जैसी रेसिपी बनाएं और टेस्ट करें, टेस्ट करके कमेंट करें क्या मैं अच्छी रेसिपी बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। आप लोग ज़रूर टेस्ट करना। गाइस हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। मैं गैस की विलें बंद कर दी। अब मैं सर्व कर रही हूँ। एक बाउल में मैं इसको सर्व कर ली। अब मैं इसको ज़ाफ़रान से डेकोरेट करूँगी। गाइज मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाएं, कोई सी भी रेसिपी बहुत ही अच्छी बहुत टेस्टी होती है। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।